ये नूरजहाँ ने बनवाया था, जो जागीर के मतलब जागीर के शासन का बना हुआ है। हे गाइस, सलाम नमस्ते, और कैसे हो आप लोग? तो गाइस, हर बार की तरह फिर से कमेंट करके बता दो भाई कैसे हो। तो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं एक नई लोकेशन के लिए, और आपको मालूम है कि हमारा व्लॉग आया है, तो गाइस नई लोकेशन होगी और नई जगह होगी कुछ। तो गाइस, अभी हम दोनों अरबाज और मैं रास्ते में ही हैं, और थोड़ी बहुत देर में पहुंच जाएंगे। तो बस हम लोग घर से तो निकल चुके हैं कि लोकेशन के लिए घर से निकल चुके हैं। तो कल भी गाइस हम गए थे एक मतलब जगह पर, गए थे ब्लॉग के लिए, पर वहाँ बना नहीं सके। पता नहीं क्या, ऐसे ही बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसलिए बनाया नहीं, बहुत दिक्कत भी हो रही थी तो इसलिए बनाया नहीं हमने वहाँ पे ब्लॉग। तो गाइस चलते हैं हम फिर, और आपको दिखाते हैं नया व्यू, और काफ़ी शानदार जगह है वो भी, बहुत अच्छी है। आप देखना ब्लॉग में कैसी लगी, और फिर बताना हमें कमेंट में कैसी है बॉस। फिर चलते हैं। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं हम लोकेशन पे, और काफ़ी मतलब अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ का, और चारों तरफ हरियाली है। ये देखिए पीछे की साइड भाई, पूरी हरियाली है और मस्त लग रहा है। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, आपको फ्रंट गेट जो मतलब लोकेशन का फ्रंट गेट है वहाँ पे दिखाता हूँ, कितना शानदार है, अच्छा है बहुत। तो गाइस अभी हम लोकेशन के काफ़ी मतलब अंदर तक आ गए हैं। तो गाइस अभी आप आगे एक क्लिप है, उस क्लिप को देखो, लोकेशन की पूरी क्लिप है, उस क्लिप को देखो, फिर उसके बाद बताऊंगा इस जगह का नाम क्या है, और ये किसने बनवाया था और किस लिए बनवाया था, सब कुछ बताऊंगा आपको। तो आप पहले उस क्लिप को देखो और फिर मैं बताता हूँ आपको कि ये क्या है, इसका क्या नाम है। ओके, कैसी लगी लोकेशन, और देखा आपने कितनी मस्त जगह है, कितना अच्छा मकबरा है। तो गाइस इस मकबरे का नाम है एतमाद उद्दौला, इस मकबरे का नाम एतमाद उद्दौला है, और ये नूरजहाँ ने बनवाया था, जो जागीर के मतलब जागीर के शासन का बना हुआ है ये, और नूरजहाँ ने अपने पिता की याद में बनवाया था, मतलब उनके पिताजी गुजर गए थे, तो उनके गुजर जाने के बाद काफ़ी टाइम बाद उनने मतलब ये मकबरा बनवाया, और उनके सदस्यों की मतलब फैमिली से भी कई कब्रें अंदर हैं, उनके फैमिली के कई सदस्यों की कब्रें अंदर हैं इसमें मकबरे के। तो गाइस हमने आपको बाहर से तो दिखा दिया है, मतलब जो इस क्लिप में हमने आपको बाहर से दिखा दिया, अब जा रहे हैं अंदर और आपको अंदर से दिखाएंगे। और इसका इसकी स्थापना कोई हुई थी 1626 में, 1626 में ये मकबरा बनवाया गया था एतमाद उद्दौला, और काफ़ी खूबसूरत मकबरा है, और इसको एक बेबी ताज भी बोलते हैं गाइस, इसको बेबी ताज भी बोलते हैं, मतलब ये ताजमहल की तरह बना हुआ है, और काफ़ी ताजमहल से भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसके अंदर, मतलब जैसे दीवार पे कुछ ऐसी पेंटिंग है जिससे जैसे कोई कलश या घोड़े हाथी ऐसे मतलब काफ़ी चीज़ें बनी हुई हैं ऐसी, तो इसलिए बहुत अच्छा खूबसूरत लगता है ये लोगों को, और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, काफ़ी बढ़िया बना हुआ है। तो गाइस अब चलते हैं अंदर, और आपको अंदर से दिखाते हैं कि कैसा बना हुआ है अंदर से, और कब्रें भी दिखाएंगे आपको उनकी फैमिली के सदस्यों की। तो चलते गाइस अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर से। तो गाइस अभी हम आ गए अंदर, और आपको अंदर के मतलब दिखाते हैं अंदर क्या क्या है, और ये देखिए काफ़ी मतलब अच्छा बना हुआ है, पीछे से ये सब कुछ दिख रहा है, ये मस्त बना हुआ है गाइस। और आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ यहाँ पे कब्र जो बनी हुई है उनके फैमिली के सदस्यों की। तो गाइस ये हैं कब्र, ये यहाँ पर कब्रें बनी हुई है उनके फैमिली के सदस्यों की, ये और ये देखिए एक उनकी बेटी भी थी, मतलब नूरजहाँ की जो पहले हस्बैंड से जो बेटी थी उसकी भी कब्र मतलब यहीं पे है, और जागीर उनके मतलब दूसरे हस्बैंड थे नूरजहाँ के, और पिताजी उनके जो पिताजी थे नूरजहाँ के,
वो जहांगीर के दरबार में मंत्री थे, और ये भी कवर है, ये भी किसी की कवर है, वैसे यहाँ कुछ लिखा तो नहीं है पर उन्हीं की फैमिली के सदस्य की कवर है किसी की। तो काफ़ी शानदार है। और देखिएगा इस यहाँ पर देखिए ऐसी पेंटिंग बनी हुई है इसकी दीवारों पे, काफ़ी दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ये कलश है, ये कलश है, और भी काफ़ी चीज़ें, जैसे ये देखिए ये गुलदस्ता ऐसे बना हुआ है, ये देखिए गाइस ये कैसा, ये भी एक तरह का गुलदस्ता है जो दीवारों पे मतलब पत्थर के अंदर पेंट किया गया है, काफ़ी अच्छी है। ये देखिए एक कवर ये है, ये भी उनके फैमिली के सदस्य की है। और यहाँ पर देखिएगा इस यहाँ पर मेन कवर है शायद, मैं मतलब पक्की पता तो नहीं है वैसे, पर ये शायद नूरजहाँ और उनके ये मेन कवर है यहाँ पे दोनों। देखिए ये काफ़ी बड़ा है ये भी। और दीवारों पर जो पेंटिंग की गई है मतलब पच्चीकारी का एक काम किया गया है, वो बहुत शानदार है गाइस, बहुत खूबसूरत है, जो ताजमहल में भी नहीं है उस तरीके का है, काफ़ी शानदार है आप देख रहे हो। और ये देखिए ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं दीवारों पर जो पेंटिंग मतलब की गई है पच्चीकारी की तरह, मतलब पच्चीकारी का काम है एक तरह से ये, पर बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा लगा है। तो गाइस आपने देखा कि ये हमारे पीछे मेन कवर है, ये अरबाज थोड़ा इधर हो भाई, ये मेन कवर है दोनों, ये दोनों मेन कवर हैं, और ये शायद मतलब अभी पक्की वैसे मैं बता नहीं सकता हूँ, पर ये नूरजहाँ और उनके हस्बैंड की है शायद, और उनके फैमिली के सारे सदस्यों की कवर यहीं पे हैं, सबकी फैमिली के सारे लोगों की कवर यहीं पर हैं। कैसा लगा आपको बेबी ताज, मतलब एतमादुद्दौला का नाम एक बेबी ताज भी है, तो मैं मतलब कैसा लगा आपको ये बेबी ताज, और कमेंट में बताना गाइस कैसा लगा। और जो भी था बेबी ताज में वो हमने सब तुमको मतलब आपको सबको दिखा दिया है, सब कुछ दिखा दिया है। तो गाइस आप लोग कमेंट में बताना और लाइक करना अगर व्लॉग अच्छा लगे तो, और गाइस जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। तो अब हमने प्लान बनाया कि अब हम घर चलते हैं, क्योंकि काफ़ी घूम लिए और देख लिया जितना भी देखना था। तो गाइस बस अब यहाँ से निकल रहे हैं, अभी तो खैर अंदर ही हैं पर निकलते हैं, और फिर आपको अगले व्लॉग में मिलते हैं। तो गाइस प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो, और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना। तो मिलते हैं गाइस आपको नए व्लॉग में, अगले व्लॉग में मिलते हैं, और जल्दी मिलेंगे। वैसे अब तो सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी व्लॉग बनाएं और जल्दी जल्दी आपसे मिलते रहें। चलते गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में।